Hi everyone and welcome back to my channel. I'm Manisha and thank you for joining me. So today I'm gonna be showing you something a different video. Maybe this video will be helpful for you. So Durga Puja and Navratri is coming very soon. काफी सारी लड़कियां शॉपिंग स्टार्ट कर चुके हैं और काफी सारी लड़कियों की शॉपिंग ऑलरेडी हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं. एंड द सैड न्यूज फॉर मी, मैं अभी तक शॉपिंग नहीं किया हूँ. मेरी तरह बहुत सारी लड़कियां हैं आप में से जिन लोगों का अभी तक शॉपिंग नहीं हुई है. कुछ लोग काम के लिए अभी भी बिजी हो और कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप लोग अभी तक शॉपिंग नहीं कर चुके हो एंड बजट के लिए भी शॉपिंग आप लोग नहीं कर पा रहे हो. मे बी ये हो भी सकते हैं एंड लाइक मी, मुझे भी बहुत बजट की प्रॉब्लम हो रही है इस साल. तो दैट्स व्हाई मैंने आपके लिए एक आइडिया लेके आ गई हूँ आज. एंड This idea will be helpful for you guys. आप लोग अगर ये try करेंगे, इसलिए मैंने महीने की first week पे ही इसको लेके आ गई हूँ आपके लिए. So stop talking guys, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी कि आपकी suits और सलवार कमीज and dress आप कैसे बना सकते हो with your mummy's साड़ी और your साड़ी. So guys, let's get started. So मैं आप लोगों को दिखाऊंगी first एक सलवार कमीज. मैंने दो तीन साल पहले बनाई थी. सो गाइस, दिस इज माय फर्स्ट सलवार सूट, यू कैन सी हियर. एंड इसके जो फैब्रिक है ये थोड़ा नेट के अंदर आते हैं. तो मेरी एक साड़ी थी जो इस टाइप का था एंड मुझे इतना ट्रांसपेरेंट साड़ी इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि साड़ी तो मैं पहन ही सकती ये साड़ी, तो इससे मैं थोड़ा एक सूट क्यों ना बना लूँ. इट्स लाइक कुर्ती टाइप्स सूट है एंड मैंने नेक पे थोड़ा सा एक राउंड शेप के कुछ किया हो एंड पीछे मैंने किया है डबल लाइनिंग के एंड मैंने अंदर पे थोड़ा सा फैब्रिक परचेस की थी ऑरेंज कलर की, सेम ऑरेंज कलर की. मुझे सिफन और जॉर्जेट की फैब्रिक उतना पसंद नहीं है क्योंकि आई वांट अ कंफर्टेबल फैब्रिक. सो दैट्स व्हाई मैंने कॉटन की फैब्रिक परचेस की थी इसके साथ. दिस इज द चूड़ीदार पीस. इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्राइट कलर, ऑरेंज कलर. नेक्स्ट वन इज दिस ब्यूटिफुल ड्रेस. इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल अनारकली टाइप्स. इट्स अ फ्लेयरी, लाइक दैट वॉज माई मॉम साड़ी एंड दैट वॉज सो ब्यूटिफुल. एंड मेरी मॉम उसको पहनने के लिए मतलब उतना पसंद नहीं था मेरी मॉम को, लेकिन मुझे बहुत ही पसंद था वो साड़ी. लेकिन इस साड़ी का एक ही प्रॉब्लम था कि ऊपर की तरह जो व्हाइट कलर है वो बहुत ज़्यादा था एंड उसके बाद नीचे ये दो शेड आती है, लाइक पिंक आती है उसके बाद एक हॉट पिंक आती है एंड उसके नीचे एक रेड कलर की कलर आती है. इट्स अ थ्री सेट्स एंड इसका जो आंचल था वो आंचल का डिज़ाइन कुछ इस टाइप का था. तो आंचल को मैंने मेरी चेस्ट पे मैंने ले ली थी. वो साड़ी का जो बॉर्डर होती है तो वो बॉर्डर था ये, तो इसको मैंने मेरे हाथ पे एंड मेरी फ्रॉक के नीचे इस पे मैंने बॉर्डर को दे दिया है एंड मैंने तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाया हूँ. आप लोग पिक्चर में देख सकते हो इसका जो फ्लेयर है बहुत ही प्रीटी है एंड थोड़ा सा हाई लो टाइप्स का है. राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में थोड़ा सा हाई है एंड मिडिल पे एंड पीछे थोड़ा सा लो टाइप का है. सो दैट वॉज क्वाइट गुड. एंड द थर्ड वन इज दिस गाउन टाइप ड्रेस. इसका जो घेर है इसको मैंने बहुत ज़्यादा इसको घेर मैंने बनाई हूँ एंड इसका जो साड़ी था मेरा वो ये जॉर्जेट की साड़ी था एंड जो ये आप लोग देख पा रहे हो ये सामने की तरह जो फैब्रिक है एंड जो पीछे की तरह जो फैब्रिक है ये मैंने अलग से परचेस की थी इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए, क्योंकि ये जो साड़ी का जो कलर है, ये साड़ी का जो फैब्रिक थी बहुत ही सिंपल था एंड जो उसका जड़ी था बॉर्डर था तो वो भी उतना भी मतलब उतना अच्छा नहीं था. सो दैट्स व्हाई मैंने उसको साड़ी के लिए बना लिया है. इसका जो कलर था मुझे बहुत ही पसंद था, दैट्स व्हाई मैंने इसको एज ए गाउन और एज ए ड्रेस मैंने इसको बनाई हूँ. एंड आप लोग जो सामने की तरह देख सकते हो, मैं आपको क्लोजअप दिखा रही हूँ. यू कैन सी इसका जो फैब्रिक है बहुत ही प्रीटी लग रही है, दैट्स व्हाई मैंने इसको परचेस किया हूँ. एंड पीछे की तरह मैंने दिस फैब्रिक को परचेस करके मैंने इसको पीछे की तरह लगा लिया था. इसका जो हाथ है पूरा नेट का है, इसको मैंने अलग से परचेस की थी एंड हाथों पे मैंने थोड़ा सा एक बॉर्डर, जो जड़ी का बॉर्डर होते हैं, यू कैन सी मैंने हाथों में एक जड़ी का बॉर्डर भी अलग से परचेस करके हाथों पे एंड जो घेर था घेर के नीचे मैंने इसको लगा लिया था एंड इसके नीचे भी मैंने अलग से फैब्रिक मैंने एक
बटर सिल्क एंड फैब्रिक अलग से परचेज करके मैंने इसके नीचे भी दे दिया हूँ। एंड इसका घेर बहुत ही ज़्यादा है, मुझे बहुत पसंद है इसको घेर। मैं जब घूमती थी डांस करने के टाइम तो इसका जो घेर था बहुत ज़्यादा फ्लेयरिंग था और भी अच्छा लग रहा था जब मैं डांस कर रही थी वीडियो पे। फोर्थ वन इज मेरी जो मॉम की एक साड़ी था, कॉटन साड़ी जो उसका जो कपड़ा कहते हैं वो थोड़ा हैंडलूम साड़ी कहते हैं, तो उससे मेरा मम्मी का दो साड़ी था उससे मैंने एक ड्रेस बनाई हूँ। एंड उसका नीचे की तरह जो ड्रेस था, मतलब जो स्कर्ट मैंने बनाई हूँ नीचे की तरह, तो वो कुछ इस टाइप का है, थोड़ा ऑफ वाइट कलर का है। एंड नीचे की तरह जो बॉर्डर आप लोग देख पा रहे हो, ये मेरी मम्मी का ही एक साड़ी था उससे मैंने इस बॉर्डर को बनाई हूँ। एंड जो ऊपर की तरह जो टॉप है, लाइक जो ऊपर की तरह जो कुर्ती है, तो वो कुछ इस टाइप का मैं बनाई हूँ कुर्ती। मैंने यहाँ पे नेक पे थोड़ा मैंने नेक पे थोड़ा बॉटम भी लगाई हूँ, दो तीन मैंने बॉटम भी लगाई हूँ। एंड नीचे की तरह जो है वो थोड़ा मैंने सामने की तरह कट कर दिया था, यू कैन सी। एंड ये थोड़ा हाई लो ड्रेस की टॉप कुर्ती की तरह मैंने बनाई थी। एंड जब मैं इसको स्कर्ट के साथ पहनती हूँ बहुत ही प्रिटी लगते हैं, बहुत ही एथनिक लुक एंड थोड़ा डिफरेंट लुक लगते हैं। सो दैट्स व्हाई आई लव दिस एंड इट्स सो कम्फर्टेबल गाइज। सो द नेक्स्ट इज दिस गाउन गाइज। इसका जो फैब्रिक था सो ये थोड़ा सा इस टाइप का स्टिच करके वर्क था, स्टिच वर्क था इसके इस कपड़े का भी साड़ी पे, लेकिन ये साड़ी पूरा वाइट था। दैट्स व्हाई मैंने अलग से जड़ी परचेस की थी, जो इसका नीचा जो है थोड़ा जयपुर प्रिंट का जो जड़ी होते हैं, जड़ी वर्क होते हैं, उसको मैंने अलग से परचेस की थी। लाइक मैं आपको अलग से दिखाती हूँ, यू कैन सी यहाँ पे जितने सारे आप लोग जड़ी देख रहे हो, बॉर्डर देख रहे हो, मैंने अलग अलग से परचेस किया हो। लाइक जो पहला वाला जड़ी है उसको मैंने ये थोड़ा सा छोटा जड़ी है तो पहले मैं इसको लगाई हूँ, इसके बाद एक सिंपल सा एक जड़ी लगाई हूँ, देन मैंने जयपुरी प्रिंट का एक जड़ी लगाई हूँ, उसके बाद मैं ये जड़ी लगाई हूँ। इसके ऊपर ये जो मल्टी कलर का ग्रीन एंड रेड का जो आप जड़ी देख पा रहे हो उसको मैंने अलग से इस पर बॉर्डर किया हुआ, एंड सबसे लास्ट मैंने इसको अलग से बॉर्डर परचेस किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे मैं जड़ी बॉर्डर करके मैंने इसको बनाई हूँ। एंड इसका जो पीछे की तरह जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा सिंपल मैं बनाई हूँ, सामने की तरह नहीं बनाई हूँ, तो ये थोड़ा नीचे की तरह है, यू कैन सी। सेम जो बॉर्डर सामने था उसको मैंने कंटिन्यू की थी, देन उसके बाद एक मरून बॉर्डर में मेरी साड़ी का था, इसके साथ जो सर बॉर्डर था उसको मैंने इसको यहाँ पे पीछे की तरह लगाई हूँ। एंड उसके ऊपर थोड़ा छोटा छोटा जो जड़ी होते हैं उसको मैंने ऑर्डर मतलब पर अलग से परचेस करके इसके ऊपर लगाई हूँ, देन नीचे की तरह जो कंटिन्यू था वो मैंने अलग से लगाई हूँ। इसके हाथों पे भी मैं एक जड़ी लगाई हूँ, एंड नेक पे भी ये पीछे की तरह नेक है, यू कैन सी, एंड ये सामने की तरह है। एंड सामने जो लटकन होते हैं उसको भी मैं इस तरह से यहाँ पे राउंड करके ये था, सो इसको भी मैंने अलग से लगाई हूँ इस लटकन को। नेक्स्ट वन इज माई मम्मीज ओल्ड साड़ी। मेरी मम्मी की जब शादी हुई थी तो वहाँ पे मेरी मम्मी एक साड़ी पहनी थी, तो वो मुझे इतना पसंद था तो उसके साथ ये बनाई हूँ, यू कैन सी इट्स सो गॉर्जियस एंड सो ब्यूटीफुल गाइस। इसका जो कलर है इतना प्रिटी ऑरेंज है, इसको बंगाली में कहते हैं शॉर्नो कॉटन साड़ी कहते हैं इसको। एंड इसका जो आँचल था उसको मैंने सामने की तरह एंड पीछे की तरह इस तरह से मैं बनाई हूँ। एंड इसका जो हाथ है वो भी मैंने इस लेंथ पे बनाई थी। एंड इसको बनाने के बाद दैट वाज लाइक सो गॉर्जियस एंड सो ब्यूटीफुल गाइस। एंड जो नीचे की तरफ है वो इस साड़ी का जो बॉडी था वो है इसके अंदर, एंड उसका भी नीचे जो इसके साथ जो बॉर्डर थी उसको भी मैंने इसके साथ ही कंटिन्यू किया। इसको मैंने अलग से कुछ भी नहीं बनाया हूँ क्योंकि इतना ब्यूटीफुल साड़ी है, इसके ऊपर अगर मैं और भी ज़्यादा कुछ करूँगी तो और भी ज़्यादा लगते हैं, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाई हूँ। इसके मिर्ची में मिडिल पे गोल्डन जड़ी
जो है उसको मैं बॉर्डर किया हूँ यहाँ पे एंड नेक एरिया पे, एंड मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया हुआ. इट्स सो ब्यूटीफुल. एंड इसके नीचे जो कलर है, इसके नीचे जो फैब्रिक है वो भी बटर सिल्क का फैब्रिक है. एंड द नेक्स्ट वन इज गाइस माय मोस्ट 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 फेवरेट अनारकली सूट, एंड दिस वन गाइस इट्स सो ब्यूटीफुल. गाइस आप लोग अभी इसको देख के सोच रहे होंगे सर सो ब्यूटीफुल गाइस, बट इसको मैंने कैसे बनाई है, इसके अंदर भी थोड़ा सा छोटा सा एक बात है, आइडिया है मेरे अंदर में. इट्स सो इजी गाइस. मेरी मम्मी का एक हैंडलूम जो साड़ी होती है, प्लेन मरून साड़ी था और कुछ भी नहीं था इसके अंदर, मतलब पूरा प्लेन मरून साड़ी था. यू कैन सी लाइक मैं आपको पीछे की तरह दिखाऊंगी तो आप लोग समझ सकते हो. सो दैट वॉज द साड़ी गाइस, पूरा की पूरा मैरून था. एंड इसका जो सामने जो देख पा रहे हो, इसका जो चेक चेक तरीके से जो स्ट्राइप होके जो फैब्रिक है लाइक डिज़ाइन है वो पीछे की तरह जो आप देख पा रहे हो ऐसी तरह का था. ये थोड़ा आंचल की तरह था, तो आंचल की जो डिज़ाइन था उसको मैंने यहाँ पे सामने की तरह एंड पीछे की तरह मैंने उसको दे दिया, क्योंकि मैं अगर पूरा की पूरा कलर का मैं मरून करती हूँ तो ये थोड़ा बड़ी बोरिंग लगेगा. दैट्स व्हाई मैंने इसको थोड़ा सा सामने की तरह पीछे की तरह अलग से बनाई हूँ. देन मैं जो नीचे की तरह आप लोग देख पा रहे हो, इसके अंदर भी बहुत घेर है जो मुझे बहुत ही पसंद है, घेर वाला अनारकली सूट. देन पूरा की पूरा ऐसा ये प्लेन था. देन उसके बाद मैंने जो आप वेस्ट पे जो जड़ी देख रहे हो उसको एंड जो हाथों पे जो जड़ी है उसको मैं अलग से परचेस करके यहाँ पे स्टिच करवाई हूँ. देन जो नीचे की तरफ जड़ी देख रहे हो उसको भी मैंने अलग से स्टिच करवाई हूँ. एंड जो नेक की एरिया है उस पर मैंने एक पर्ल डिज़ाइन का जो जड़ी होते हैं उस टाइप का मैंने एक जड़ी दिया हूँ. देन उसके बाद जो पूरा ऑल ओवर बॉडी पे जो स्टोन वर्क आप लोग देख पा रहे हो उसको भी मैं अलग से परचेस करके मैं गम से मैं इसको लगाई हूँ, मैं फेविकॉल से इसको अलग से लगाई हूँ. देन उसके बाद इट्स लुक लाइक सो गॉर्जियस. एंड जो पीछे की तरह जो रस्सी है उससे उस पर मैं एक लटकन लगाई हूँ. सो दिस इज माई वन ऑफ मोस्ट फेवरेट अनारकली सूट. एंड द लास्ट वन इज अ ड्रेस which is my favorite. and आप में आप अगर मुझे Facebook और Instagram पे follow कर चुके हैं तो आप में इस story पे ज़रूर देखे होंगे उस dress को. तो so that was this dress guys. it's so flirty, it's so beautiful and मुझे ये dress बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत ही like soft and so much comfortable guys. ये मेरी मम्मी के साड़ी था, एक वेलवेटी सीफन साड़ी. सामने मैंने दो तीन बॉटम है उसको मैं लगाई हूँ. एंड इसको मैं जब बेल्ट के साथ पहनती हूँ इट्स लाइक लगता है कि मैंने एक स्कर्ट पहनी हूँ. इसको आप टू इन वन टाइप का भी आप पहन सकते हो एज ए ड्रेस और एज ए स्कर्ट. सो इट्स सो ब्यूटिफुल गाइज, सो फ्लेयर, यू कैन सी इट सो फ्लेयर गाइज. So guys, this is the end of the video. I hope you guys enjoyed this video and this video is helpful for you. So if this video guys helpful for you, then please let me know in the comment section below. And if you like this video guys, please like the hit button and subscribe to my channel and click the bell icon for instant notification. So I'll see you all in my next video. Bye.